जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है, सबसे पहले जो हम इनके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इनसे संबंधित थ्योरी है उसके बारे में, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझने में आसानी हो। और फिर उसके बाद जो है थ्योरी के बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि आपका जो है ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाए। अकबर जी ने मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उनका शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 तक रहा। कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 तक। अब देखते हैं अकबर के शासनकाल के मुख्य बिंदु क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करें सिंहासन रूढ़ की, मतलब सिंहासन पर कब बैठे। तो अकबर जो है 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे, मात्र 13 वर्ष की आयु में। और ये बैठे थे हुमायूं की, अब यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद। फिर बात करते हैं बैरम खान का संरक्षक बनना, जो कि इनके 1556 से लेकर 1560 तक संरक्षक बने रहे। तो शुरुआती वर्षों में अकबर का शासन जो है बैरम खान द्वारा नियंत्रित था, जिन्होंने अकबर की ओर से शासन किया। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में जो हुई थी, उसमें हेमू को हराया था। और हेमू का नाम जो है दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर के प्रमुख युद्धों के मुख्य जो बिंदु हैं वे क्या थे, मतलब जो इम्पोर्टेंट युद्ध जो है अकबर के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ये चार और 16-17 इनके युद्ध और अभियान है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि इनका पहला युद्ध था, 1556 ईस्वी में हुआ था। हेमू के खिलाफ जीत ने अकबर को दिल्ली और आगरा पर अधिकार दिलाया। मालवा अभियान जो है दोस्तों नेक्स्ट 1561 में हुआ था, और इसमें इन्होंने बाज बहादुर को हराकर, नाम याद रखना है कि मालवा अभियान में जो है बाज बहादुर को हराकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया। किसको? मालवा को। नेक्स्ट है काबुल विजय, जो कि 1581 में हुई थी। अकबर ने काबुल पर अधिकार कर अपने भाई मिर्जा हाकिम को हराया था। तो आपको याद रखना है कि काबुल विजय जो थी उसमें अकबर ने अपने भाई को ही हराया था 1581 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों अहमदनगर का अभियान, जो कि 1595 से लेकर 1600 ईस्वी तक चला था। इसमें इन्होंने जो है अकबर ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर हमला किया, जहां उन्होंने भयंकर संघर्ष के बाद आंशिक विजय प्राप्त की। जो अहमदनगर अभियान था इसमें जो है दोस्तों जो युद्ध हुआ था वह चांद बीवी के खिलाफ ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात विजय, गुजरात विजय जो है 1572 ईस्वी मिली थी, और इसमें अकबर ने जो है गुजरात पर आक्रमण कर इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध जो है दोस्तों 1567 से लेकर 1568 के बीच में चला, और इसमें जो है मेवाड़ के राणा उदय सिंह, नाम याद रखना है, राणा उदय सिंह के खिलाफ जीत कर चित्तौड़ किले पर कब्जा किया। नेक्स्ट है दोस्तों रणथंभौर का युद्ध 1568 ईस्वी में, अकबर ने रणथंभौर किले को जीतकर वहां के शासक को पराजित किया। दोस्तों कॉन्स्टेबल लेवल एग्जाम से लेकर यूपीपीएससी लेवल एग्जाम तक, यानी जो स्टेट कहने मतलब यह स्टेट लेवल के एग्जाम तक, जब भी अकबर से संबंधित जो युद्ध पूछे जाएंगे उसमें एक तो आप याद रखना डेट पूछी जाएगी, किसके खिलाफ युद्ध हुआ,
ये आपको याद रखना है, दोनों चीज इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है खान देश और बरार का विजय, जो कि 1591 से लेकर 1599 के बीच चली थी। अकबर ने दक्षिण भारत के खान देश और बरार पर हमला किया। खान देश का शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अकबर ने उसे हराकर इस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये सभी जो है युद्ध या अभियान आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मेवाड़ अभियान, जो चित्तौड़ अभियान जो था वो तो था आपका राणा उदय सिंह के बीच, कब हुआ था 1567 से लेकर 1568 के बीच, और जो मेवाड़ अभियान था वो 1576 में हुआ था। डेट आपको याद रखना है और किसके बीच हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी, मतलब मेवाड़ अभियान भी और चित्तौड़ अभियान। तो हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर के प्रमुख सैन्य उपलब्धियों में से यह युद्ध एक था। हालांकि महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के माध्यम से लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में जो है अकबर की सेना ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है कंधार का युद्ध, जो कि 1595 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने कंधार के रणनीतिक किले पर कब्जा करने के लिए फारस के सफवीद वंश के खिलाफ, नाम याद रखना है वंश का, क्योंकि राजा का नाम तो इसमें नहीं पूछेगा लेकिन वंश का नाम जरूर पूछा जाएगा किस वंश के खिलाफ होता, तो सफवीद वंश के खिलाफ अभियान चलाया था। कंधार का युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने कंधार पर विजय प्राप्त की, और सामरिक रूप से जो है यह महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल विजय 1576 ईस्वी में, जो बंगाल विजय है 1576 ईस्वी में, इसको यम तुकोरोई का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुकोरोई का युद्ध। इस युद्ध में जो है बंगाल के अफगान शासक दाऊद खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने बंगाल पर आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में तुकोरोई के युद्ध में, जैसे हमने बताया था तुकोरोई के युद्ध में, दाऊद खान को हराकर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट है दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा अभियान, जो कि 1590 के दशक में हुआ था। इसमें जो है अकबर ने दक्षिण भारत के बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों पर विजय प्राप्त की और उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली, फिर भी यह अभियान जो है मुगलों के दक्षिण के विस्तार का प्रयास का हिस्सा थे, लेकिन जो सफल तो हुए लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए, कुछ ही हिस्से को जीत पाए थे। नेक्स्ट है दोस्तों बुंदेलखंड का अभियान, जो कि 1583 से लेकर 1592 के बीच चला था, और ये जो है बुंदेलखंड के शासक राजा हेमचंद के खिलाफ अभियान चलाया था और लगातार संघर्ष के बाद इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही बुंदेलखंड का मजबूत किला कालिंजर भी मुगल के नियंत्रण में आ गया। तो आपको याद रखना है कि कालिंजर का किला कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट है कश्मीर विजय, जो कि 1586 में हुई थी, मिली थी मतलब। कश्मीर जो मुगलों के लिए एक अत्यंत सामरिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, अकबर के अधीन आया जब उन्होंने स्थानीय शासकों के विद्रोह को कुचल दिया और कश्मीर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। कश्मीर को अधीन करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे मुगलों को उत्तर पश्चिम में एक मजबूत सैन्य अधिकार सैन्य आधार मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के नवरत्नों के बारे में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नवरत्न मतलब नौ मंत्री। तो सबसे पहले हम इन नौ मंत्रियों में जानते हैं अबुल फजल के बारे में, जो कि अकबर के प्रमुख सलाहकार और इतिहासकार भी थे, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। दूसरे हैं बीरबल, जो कि बुद्धिमान और चतुर सलाहकार थे,
और अकबर के दरबार में हास्य और राजनीति के प्रतीक थे। नेक्स्ट है तानसेन, जो कि महान भारतीय संगीतकार और गायक थे। शास्त्रीय संगीत में रागों की रचना के लिए ये प्रसिद्ध थे। जो अकबर के नवरत्न है, हालांकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे वो हमने आपके सामने दिए हैं, लेकिन जो इसमें तानसेन है उनसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर तानसेन को थोड़ा डिटेल में भी बताया है, वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है मानसिंह, चौथे जो चौथे मंत्री थे मानसिंह, वह राजपूत सेनापति और अकबर के मुख्य जनरलों में से एक थे और कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। यहाँ आप एक बात का याद रखना कि जो अकबर ने अपने ज्यादातर युद्ध जीते थे वो तो मानसिंह के नेतृत्व में ही जीते थे, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों फैजी, फैजी जो है अबुल फजल के भाई और प्रसिद्ध फारसी कवि थे और इन्होंने जो है अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो हैं अहस्य और बुद्धिमत्ता में प्रसिद्ध सलाहकार थे और अकबर को इन्होंने जो है कई बार महत्वपूर्ण सलाह भी दी थी। उसके बाद आता है राजा टोडरमल, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है टोडरमल। टोडरमल बंदोबस्त के तहत भूमि और कर प्रणाली को सुव्यवस्थित कर किया था। उसके बाद आता है आठवें जो मंत्री थे नवरत्नों में, अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको जो है रहीम के नाम से जाना जाता है, उपनाम क्या था रहीम, मतलब कि शॉर्ट नाम। ये जो है अकबर के कवि और सेनापति थे और हिंदी दोहों के लिए प्रसिद्ध थे और इन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है, मतलब आज भी जाना जाता है। उसके बाद आता है नौवे मंत्री आपके नवरत्न में, फकीर अजीयुद्दीन, जो कि एक आध्यात्मिक सलाहकार और धार्मिक मुद्दों पर मार्गदर्शक करते थे अकबर का, और अकबर को जो है धार्मिक मामलों में सलाह देते थे। यह आपको याद रखना है कि अकबर धार्मिक सलाह किससे लेते थे, फकीर अजीयुद्दीन से। उसके बाद दोस्तों अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1605 ईस्वी में, और उन्हें जो है सिकंदरा यानी सिकंदराबाद में, यहाँ पर सिकंदराबाद लिखेंगे आप, सिकंदराबाद में जो है आगरा में दफनाया गया था, जहाँ उनका मकबरा भी बनाया गया है। तो ये थे दोस्तों अकबर के नवरत्न। अब इसमें जो है हम थोड़ा डिटेल में तानसेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि तानसेन से जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये रहे आपके तानसेन के कुछ मुख्य पॉइंट्स। तानसेन का असली नाम जो है दोस्तों रामतनु पांडे था। उनका जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था, और जो उनके गुरु थे यानी जो संगीत की शिक्षा ली थी तानसेन ने, वो स्वामी हरिदास से ली थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। और जो तानसेन की विशेषज्ञता थी उसमें जो है तानसेन को ध्रुपद शैली के संगीत में महारत हासिल थी। आपको याद रखना है कि ध्रुपद शैली जो है, मतलब कि जो तानसेन थे वो ध्रुपद शैली में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे, और इनके जो प्रसिद्ध राग थे वे थे तानसेन के राग दीपक, मेघ मल्हार, दरबारी कानड़ा और भैरव। एक मियाँ की टोडी भी था, मियाँ की मल्हार कुछ ऐसी था, मियाँ की मल्हार तो यही है मेघ मल्हार, और एक मियाँ की टोडी था, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों देवी सरस्वती के भक्त। जो तानसेन थे वो देवी सरस्वती के भक्त माने जाते हैं, और कहा जाता है कि जो तानसेन थे
उनके संगीत को जो है दिव्य शक्तियों से युक्त बताया जाता है। कहा जाता है कि जब ये संगीत गाते थे, मतलब राग गाते थे, तो दीपक जल उठते थे, जिसे ही राग दीपक कहा जाता है। और एक और था इनका मेघ मल्हार, उसमें जो है ये संगीत गाते थे, मतलब गाना गाते थे राग, तो उसमें जो है जो मेघ थे, बादल थे, वो बारिश कर देते थे। तो इस वजह से इनके संगीत को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया जाता है। तानसेन को भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्तंभ में से एक माना जाता है। और तानसेन का निधन जो है दोस्तों 1586 में हुआ था। और जो इनकी समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है, जो तानसेन संगीत समारोह का आयोजन स्थल भी है। हमको ये याद रखना है, जहाँ तानसेन का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, वहीं इनका मतलब की समाधि भी है। और मृत्यु जो हुई थी वो 1586 ईस्वी में हुई थी, और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। तो ये सभी जो है तानसेन से संबंधित जो की पॉइंट्स थे वे आपके सामने हैं। और इन जो सभी पॉइंट्स से जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप जो है चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकबर की वास्तुकला के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी को जो है 1571 ईस्वी में इन्होंने राजधानी बनाया था। और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, जो कि एक ऊंचा और भव्य गेट था। और फतेहपुर सीकरी में ही जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशाल और सुंदर मस्जिद है। दूसरा है दोस्तों आगरा का किला, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। और इसकी संरचना में लाल बलुआ पत्थर और हिंदू इस्लामी शैली का मिश्रण आपको मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदरा का मकबरा, यानी सिकंदराबाद का मकबरा। तो इसका निर्माण जो है अकबर के लिए करवाया गया था, अकबर ने नहीं, अकबर के लिए करवाया गया था अकबर के मरने के बाद, जो कि संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग से बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी कुछ वास्तुकला आर्किटेक्चर जो कि अकबर से संबंधित थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ की पॉइंट्स अकबर से संबंधित, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो चीज़ें उसमें की पॉइंट्स में रह चुकी हैं वो हमारी इसमें कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए 1542 ईस्वी में। दोस्तों मैंने जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं वो इस तरह से डाले हैं कि सबसे पहले ईजी कुछ क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, और फिर उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन, जिससे कि जो है लो लेवल से हाई लेवल तक कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी अमरकोट में। कब हुआ था दोस्तों 1542 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, हुमायूं। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में कौन सा नगर मुगलों की राजधानी था। तो ये था फतेहपुर सीकरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अकबर ने किस नीति को अपनाकर साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है धार्मिक सहिष्णुता को अपनाकर, ऑप्शन ए। अकबर की माता का नाम क्या था। तो ये था हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन सी। और पिता का नाम हुमायूं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, जो दादा थे बाबर, और जो अकबर के बेटे का नाम था
वो क्या था? जहांगीर सलीम, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने किस नीति के तहत विभिन्न धर्मों के लिए एक समान प्रणाली बनाई? तो अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही प्रणाली के तहत विभिन्न धर्मों के लिए एक समान नीति अपनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अकबर का सबसे बड़ा सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? तो ये था राजपूतों के खिलाफ, ऑप्शन ए। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जो है दोस्तों 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया, ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में कौन सी भाषा का विकास हुआ? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है फारसी। अकबर की जो दरबारी मतलब जो भाषा थी वो फारसी थी, और जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की। ये भी आपको याद रखना है, इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है, मातृभाषा जो है तुर्की है और दरबारी भाषा जो है फारसी है। नेक्स्ट है, अकबर की पत्नी कौन थी? तो अकबर की पत्नी जो है दोस्तों ऑप्शन बी मरियम उज जमानी यानी जोधा बाई थी। जोधा बाई को ही मरियम उज जमानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर की प्रशंसा किस उपनाम से की जाती थी? तो अकबर की प्रशंसा जो है दोस्तों ऑप्शन ए सुल्तान ए हिंद के नाम से की जाती थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 1582 ईस्वी में। जिसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति अकबर था और दूसरा व्यक्ति जो है दोस्तों बीरबल था। तो दीन ए इलाही को किसने नाम बनाया था? सबसे पहले अकबर ने, और दूसरा व्यक्ति जो था वो बीरबल था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अकबर ने किस लड़ाई में महाराणा प्रताप को हराया था? तो ये लड़ाया था मतलब हराया था सॉरी, हल्दी घाटी की लड़ाई में, जो कि इनकी 1570 ईस्वी में लड़ाई हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में। चित्तौड़ की लड़ाई 1567 ईस्वी में, 67 और 68 में। पानीपत की लड़ाई एक तो हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1561 में। ये चारों पांचों जो है आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का लेखन किया गया था? तो ये पुस्तक का नाम जो था अकबर नामा था, ऑप्शन बी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल। अबुल फजल ने दोस्तों एक तो अकबर नामा लिखी थी और दूसरी लिखी थी आईने अकबर की। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे अपने राज दरबार का राज कवि नियुक्त किया था? तो राज कवि कौन था? सूरदास, ऑप्शन डी। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी थी, ये भी आपको याद रखना है। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल किसके लिए प्रसिद्ध थे?
तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य लिटरेचर। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था जिसने उनके शासन की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे बैरम खान ऑप्शन सी, जो कि हुमायूं के वफादार सेनापति थे। नेक्स्ट है, अकबर ने किस नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये की थी दोस्तों मनसबदारी प्रथा की। क्या कहते हैं? मनसबदारी प्रथा। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर ने किस धार्मिक चर्चा स्थल की स्थापना की थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है इबादत खाना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकबर की सबसे प्रमुख जीत कौन सी थी जिसने उसे उत्तर भारत का शासक बना दिया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट है, अकबर के काल में बनाई गई कौन सी इमारत विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है फतेहपुर सीकरी ऑप्शन डी। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो विश्व धरोहर स्थल है, बुलंद दरवाजा, ये आपको याद रखना है। अकबर ने किस वर्ष में गुजरात विजय प्राप्त की थी? तो गुजरात विजय जो है 1572 ईस्वी में की थी, ये भी आपको याद रखना है। में तो कोरोई का युद्ध, कौन सा युद्ध? तो कोरोई का युद्ध। और 1572 ईस्वी में गुजरात विजय, दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, धार्मिक एकता के उद्देश्य से। अकबर ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने जो है दोस्तों आगरा के किले का निर्माण करवाया था। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर की पत्नी जोधाबाई किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये थी दोस्तों आमेर के, आमेर राज्य की राजकुमारी थी कौन? जोधाबाई, ऑप्शन डी। अकबर ने किस शासक से 1564 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त की? तो मालवा पर विजय जो है बाज बहादुर से लड़कर की थी, ऑप्शन ए। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले सुलह ए कुल की नीति को लागू करने का विचार किसने दिया था? ये दिया था अबुल फजल, ऑप्शन बी ने। अकबर ने अपने दरबार में किन साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका निभाई? तो इन्होंने जो है, इनमें कौन था? फैजी और अबुल फजल, ऑप्शन सी। फैजी और अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में प्रमुख साहित्यकार थे। अकबर के शासनकाल में 1576 ईस्वी में हुए अल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति कौन था? तो ये था दोस्तों हाकिम खान सूर, ऑप्शन सी।
और जो राजा मानसिंह थे वे अकबर की सेनापति के सेनापति थे, जबकि हाकिम खानसू महाराणा प्रताप के सेनापति थे। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर ने किस दरबारी कवि को कवि प्रिया की उपाधि दी थी? तो कवि प्रिया की उपाधि जो है वो ऑप्शन बी रहीम को दी गई थी, ऑप्शन बी। अकबर ने मनसबदारी, नेक्स्ट मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत कहाँ से प्रेरित होकर की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है मंगोल, ऑप्शन डी, से प्रेरित की थी, मंगोलों से। अकबर के काल में किस युद्ध के बाद मेवाड़ के राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ये था दोस्तों चित्तौड़ का युद्ध, ऑप्शन बी। अकबर के काल में मुल्ला दो प्याजा किस विषय में प्रमुख थे? तो मुल्ला दो प्याजा जो है दोस्तों प्रशासन के विषय में, प्रशासन के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। अकबर ने इलाही कैलेंडर किस वर्ष में शुरू किया था? तो इलाही कैलेंडर जो है दोस्तों 1584 ईस्वी में शुरू किया था, यह भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई, 1584 ईस्वी में इलाही कैलेंडर की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में दरबार एक खास किस कार्य के लिए था? तो दरबार एक खास जो है दोस्तों, ऑप्शन ए, राज दरबार के विशिष्ट लोगों की बैठक के लिए था। अकबर के शासन में मुख्तसर की लड़ाई का नेतृत्व तो किसने किया था? तो मुख्तसर की लड़ाई का नेतृत्व तो जो है वो आसफ खान ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अकबर ने किस धार्मिक सभा का आयोजन किया जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया? तो इसका नाम जो है दोस्तों इबादत खाना सभा था, ऑप्शन सी। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए किस नीति को अपनाया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है काबूलियत और पट्टा प्रणाली, ऑप्शन डी। अकबर के काल में किस विद्वान को नवरत्न में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है जयमल, जो कि नवरत्न में शामिल नहीं थे, बल्कि बाकी जो थे तानसेन, अबुल फजल, रहीम, ये तीनों जो है नवरत्नों में शामिल थे। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में किस पदाधिकारी का काम सैन्य और प्रशासनिक दोनों कार्यों का संचालन करना था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, मनसबदार। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के शासन में भूमि मापने की किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन बी, जरीब। अकबर के शासनकाल में किस महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद राजमुल्लुक द्वारा फारसी में किया गया था? तो यह किया गया था महाभारत का, ऑप्शन सी। और महाभारत को जो है रजमनामा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है, रजमनामा। राजमुल्लुक ने महाभारत का जो है फारसी अनुवाद किया था रजमनामा के नाम से। अकबर के शासनकाल में किस दरबारी ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अकबर ने किस विद्रोह को कुचलने के लिए खान देश पर आक्रमण किया था?
तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी, पठान विद्रोह को कुचलने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर द्वारा राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, राजपूतों को अपने साथ मिलाना। अकबर के समय में महाजनी और वस्त्रकार किसके लिए जिम्मेदार थे? तो महाजनी और वस्त्रकार जो है दोस्तों व्यापार और शिल्प कला के लिए जिम्मेदार थे, ऑप्शन डी। अकबर की दीन इलाही को अपनाने वाला प्रमुख दरबारी कौन था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है बीरबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, अकबर के शासनकाल में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है काजी उल कजात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में किस इमारत को सिकंदरा कहा जाता है? तो सिकंदरा कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर के मकबरे को जो कि सिकंदराबाद में है आगरा में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा के नाम से, ऑप्शन डी। और किसने किया था ये? राजमल्लूक ने किया था फारसी अनुवाद। अकबर के शासनकाल में कृषि कर के संग्रह के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है आमिल को, ऑप्शन ए। अकबर के शासनकाल में रैयतवादी प्रणाली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अकबर की सुलह कुल सार्वभौमिक शांति की नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समानता का व्यवहार करना। नेक्स्ट है, अकबर के काल में मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य जो था दोस्तों ऑप्शन बी, सेना और प्रशासन के बीच तालमेल बिठाना था। अकबर की दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा जो है फारसी थी, ऑप्शन बी। आईने अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखे गए थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। अकबर के शासनकाल में किस नीति को अपनाकर भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया गया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दशाला प्रणाली। अकबर ने किस वर्ष गुजरात पर विजय प्राप्त की और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है 1582, ऑप्शन बी। अकबर के शासनकाल में सिकंदर लोदी के संबंध में किसका विशेष महत्व है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, उसके द्वारा बनाए गए राजधानी का, क्योंकि सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी जैसा कि आप जानते हैं, और ये की थी दोस्तों इन्होंने 1506 ईस्वी में, शायद 1506 में की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी, और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुई थी, जिसका ने जो अकबर की तरफ से जो है बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे सेना का। नेक्स्ट है, अकबर नामक किस विषय पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है
अकबर के शासन और नीतियों के विषय पर। नेक्स्ट है, अकबर के काल में दीन इलाही के सिद्धांतों को कौन प्रमुखता से फैलाता था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है अबुल फजल, ऑप्शन बी। अकबर ने 1562 में किस विवादास्पद प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, दास प्रथा। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर ने किसके साथ विवाह करके राजपूतों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी, राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के साथ, जो कि आमेर की राजकुमारी थी। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास किन क्षेत्रों में विशेष रूप से हुआ? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट है, अकबर की राजपूत रीति के अंतर्गत किसके साथ उनका सबसे महत्वपूर्ण विवाह हुआ था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन ए, जोधाबाई। अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया? तो यह किया था 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त किया? तो यह किया था केंद्रीय करत प्रशासन, ऑप्शन ए। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में फतवा ए गजी किसने जारी किया था? तो फतवा ए गजी जो है दोस्तों, शेख मुबारक, ऑप्शन डी ने जारी किया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में किसे रहबर ए अकबर की उपाधि दी गई थी? तो रहबर ए अकबर की उपाधि अबुल फजल को दी गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में किस अभियान ने दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है अहमदनगर अभियान, ऑप्शन बी, जो कि चांद बीबी के विरुद्ध लड़ा गया था। उसके बाद आता है दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित किस इमारत को महिलाओं की बैठक हरम के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों पंचमहल को, ऑप्शन ए। अकबर की धार्मिक नीति का सबसे अधिक आलोचना किसने की थी? तो यह की थी उलेमाओं ने, ऑप्शन ए। उसके बाद आता है दोस्तों, तानसेन ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो यह की थी स्वामी हरिदास से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, तानसेन किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये थे मोहम्मद घोष, ऑप्शन डी के। संगीत की शिक्षा किससे ली थी? हरिदास से, स्वामी हरिदास से। और सूफी संत के, जो सूफी संत थे जिनके शिष्य थे तानसेन, वे मोहम्मद घोष थे। नाम दो याद रखने हैं आपको, हरिदास और मोहम्मद घोष। इसी के साथ जो है दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि जिस तरह का जो हमने मटेरियल इसमें दिया है वीडियो में, वो जो है आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जो है वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।